मैंने स्मेल ही नहीं की, इतनी गंदी चीज, बहुत ही गंदा है। कपड़े गंदे हैं। मम्मी मेरी ऐसी तैसी कर देंगी। कुछ तो हो रहा है। शिट, कर दिया खराब मैंने क्या? ये होने वाला है मास्टर। सेकंड गिव अवे के गर्ल विनर है वो है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये होने वाली है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि मैं गिव अवे विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ एंड आज मैं कुछ क्रिएटिव करने वाली हूँ। तो बॉयज़ आप भी देख सकते हो, आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि हमारे लिए कोई वीडियो नहीं आती है, तो इसमें मैं कुछ बनाने वाली हूँ और लेट्स सी वो कैसा बनता है। तो वो है ये। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गिव अवे विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। सो अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखी थी प्रीशा के बर्थडे वाली, तो जब मैं उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेने गई थी तो वहाँ मुझे ये दिखा, मैंने कहा यार मुझे ये चाहिए, मुझे बना के देखना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि या तो मेरे बचपन में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं, मम्मी पापा ने नहीं दिलाई, या ये तब आती नहीं थी, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं ये सारी चीज़ें ट्राई करूँ, वहाँ बहुत कुछ था। तो मैंने पहले एक चीज़ लिया कि मैंने कहा पहले एक चीज़ लेती हूँ, एक की वीडियो बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी ऐसी। मुझे ये सब चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट वाली बहुत पसंद है, बचपन से पसंद है। मुझे अभी भी टाइम मिलता है तो मैं छोटी छोटी ड्राइंग बनाने बैठ जाती हूँ। तो जैसा है इसमें पॉट बनाने वाला सिस्टम, मैंने आज तक कभी पॉट नहीं बनाया, इसमें सब कुछ है, पूरी किट में दिखा तो रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता है बनेगा कि नहीं बनेगा, और 8 ईयर्स प्लस एज वालों के लिए है ये। तो चलो इसको फटाफट ट्राई करते हैं, देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। इसका MRP मुझे अभी ध्यान नहीं याद आएगा तो मैं यहाँ बता दूंगी मैंने इसको कितने का लिया था। Amazon पे भी मिलता है वैसे तो ये। तो सबसे पहले मुझे दिखते हैं वाटर कलर्स, ट्रे, और ये दो येलो येलो से पता नहीं क्या है, और ब्रश। ट्रे की क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब है, आप देख सकते हो मैंने हाथ से ही मोड़ दी है। उसके बाद एक मैनुअल मिलती है, ये काम की चीज़ है। उसके बाद ये क्ले है, एक बिल्कुल पाउडर जैसी, एक ऑलरेडी पहले से ही बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। तो और ये हमारा वो व्हील जो ऐसे ऐसे होगा और जिस पे मुझे कुछ कुछ बनाना है, सेल से चलता है। पेज चाहिए, पेज कस चाहिए, कट। आफ्टर थोड़ी सी मेहनत ये खुल गया और इसमें बड़े वाले सेल लगते हैं, या आप याद रखिएगा नहीं तो आपको अपने भाई बहन को भगाना पड़ेगा इन दी एंड। फिर उसको आपको ऐसे पेच लगा देना है दोबारा, सॉरी वैसे तो हाथ घुमाते हैं मैं अपना मटेरियल के बाद क्योंकि मैं उसका स्क्रू अंदर रखाई हूँ, तो मैं सोचा ऐसे ही कर लेते हैं। चलो ये हो गया, इसमें एक स्विच है ऑन ऑफ का और इसमें दो स्पीड मोड है, 1 2। आपको ऐसा लगेगा कि मिक्सर ग्राइंडर चल रही है। और इसके साथ आपको ये मिलता है, इसका काम है यहाँ खड़े होने का। और सपोज़ मैंने कोई शेप दिया और उसको कुछ कुछ और शेप देनी है, तो उसको आपने ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया यहाँ पे, और वो इससे टच होगा और उसमें वो शेप आती रहेंगी। तो ये उस चीज़ के लिए है। और फिर एक ये भी चीज़ थी चांद तारा टाइप की, मुझे लगा पता नहीं क्या ये धागे से क्यों बन दिया है, फिर बाद में मुझे पता चला ये इसलिए है कि अगर आपको ऐसे पॉट उठाना हो तो उसको पहले ऐसे नीचे से यूँ कट करना है, फिर आपका पॉट उठेगा और उसको ऐसे शेप शूप देनी, तो ये बहुत काम की चीज़ है गाइस। और फिर सूखने के बाद ये पेंट है, ये बहुत देख लो कितने अच्छे प्लास्टिक की ट्रे है, ये ट्रे आई है, तो आपको इस पर पेंट करना है। और ये है क्ले जो भी बहुत हार्ड है, एक और एक है थोड़ी पाउडरी इसी फॉर्म में, इसको सॉफ्ट क्ले बनाना है पहले, इसको हम रखते हैं साइड में। उसके लिए मैंने लिया एक दी होने वाली और पानी, तो चलो पहले सॉफ्ट क्ले बनाते हैं। एक ही पैकेट फाड़ूंगी, मुझे पता है कि मैं कर नहीं पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा टफ है और मेरे नेल्स बहुत लंबे भी हैं तो दिक्कत होगी बहुत। बहुत ही गंदा है, ऐसा लग रहा है कि कभी मैंने स्मेल ही नहीं की, इतनी गंदी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, अजीब सा केमिकल जैसी चीज़ों का वो है। मैंने सोचा ये पूरा पैकेट पोछा जाए, ये मेरे पास पहले होते ना तो मैं इससे गणेश जी बना सकती थी बहुत अच्छे, मतलब ये क्ले से।
पॉट बनाना मुश्किल है, गणेश जी में बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। इसको आटे की तरह गूंदना है, बहुत अच्छा सा डो बना लेना है। ओह मेरी रिंग्स, शिट गाइस, ध्यान रखना आपने रिंग्स रिंग्स ना पहने, फिर उनको बाद में साफ करना पड़ेगा। मैंने जस्ट अभी अपनी रिंग्स उतारी, मैं भूल गई थी, और इसको थोड़ा गाइस मेरे ख्याल से तो इसको इतना ही सॉफ्ट करना था, देखो इतनी सॉफ्ट हो गई है ये, शायद मेरे ख्याल से, या शायद मैंने ज़्यादा पतली कर दिया, आई डोंट नो, बना के देखते हैं। और थोड़ा बाउल में भी बचा हुआ, थोड़ा घिन सा लगेगा लेकिन ठीक है, हम ऐसे गोल सा कुछ कर लेते हैं पहले, और इसको करते हैं साइड। मैं मैनुअल से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही कर रही हूँ पूरा मैस होते हुए, और इसको यहाँ रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे बोल में भी ऐसे पानी ले लेना है और इस पर लगाना है, तो ये थोड़ा ऐसे स्मूथ सा हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा मुझे लगता है ऐसा। जय माता रानी, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको रख दिया, हर तरफ गंदगी मच रही है, मम्मी मेरी ऐसी तैसी कर देंगी, और हमने करना है कोई नहीं होता है। ये पता नहीं क्या ही हो रहा है, बेवकूफ बनाने का अच्छा तरीका। आई डोंट नो ये क्या ही बनेगा, कुछ तो हो रहा है। ओ अब मुझे समझ आ गया, शायद स्पीड कम करती हूँ। अंदर से तो मोटा नहीं बन रहा है, मैंने अंदर से मोटा करने के चक्कर से नीचे उसका बेस ही खत्म कर दिया। मेरी कटोरी फैल गई, वो कसोरा बनना रुक जाएगा। ये होने वाला है मास्टरपीस। पतला में मैं कैसे बनाऊं, स्ट्रगल है भाई, ये तो बहुत मेहनत का काम है। जो बनाया था मैंने मैंने वो भी ख़राब कर दिया, मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। चलो ये तो चलता रहेगा, तो मैं अनाउंस करती हूँ अपना गिव अवे विनर, जो मैंने बोला था एक गर्ल होगी एक बॉय होगा। तो पहले गर्ल वाला अनाउंस करती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था वैसे तो अनाउंस करना, तो कर ही लेती हूँ अनाउंस। जो मेरे सेकेंड गिव अवे के गर्ल विनर है वो है ये, तानिया। और जो आपने कमेंट किया था वो था ये, कंग्रेचुलेशंस। और अपनी सारी डिटेल्स आप मुझे सेंड कर दीजिएगा मेरे जीमेल पे, और या फिर नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं वहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो चलो इसको दोबारा बनाते हैं। मुझे समझ आया मैं ट्रे बनाने वाली हूँ, प्लेट बनाने वाली हूँ मैं, यार ये है तो फन, एक टेक्निक है बस जो आपको आनी चाहिए।
सी कितना सुंदर लग रहा है। हे माता रानी बस खराब ना होना। मैं इसको थोड़ा पतला करने की कोशिश कर रही हूँ वैसे तो, अगर मुझसे हो जाए तो। खराब हो गया। आगे इतना ठीक है, और नहीं शेयर्स की मैं, नहीं तो मैं खराब कर दूंगी। कर दिया खराब मैंने शेयर। पता नहीं मैंने क्या बनाया है, इतनी मेहनत के बाद यही बन रहा है बस, और कुछ अच्छा बना ही नहीं पा रही हूँ मैं। दोबारा ट्राई करूँ, लास्ट ट्राई पक्का। देखो ये ऐसे सही बन जा रहा है ऐसे, फिर हाथ वाली चीज कभी हो ना तो बिगड़ जा रहा है, फिर ऐसे करती हूँ तो सही बन जाता है। कुछ तो बना था अभी, कुछ तो बना है। अब मैं सोच रही इसी को ही निकाल लेती हूँ जो इतनी मेहनत से बना है। इसको निकालने के लिए देखती हूँ ऐसे बोला था होता है या नहीं। ये तो आसानी से पास हो गया, उठेगा कैसे लेके। जाएगा पक्का मैं श्योर हूँ। उठे उठाना कैसे अभी, गया कैसे उठाना है। मेरे को चार पांच वीडियोस देखनी चाहिए थी पहले, तब बनाना चाहिए था। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। गाइस आफ्टर एन नंबर ऑफ टेक्स ये मुझसे नहीं बना, और आप मेरे हाथ देखो एक बार, दिख रहा है आपको मेरे हाथ, लिटरली मेरे हाथ पूरे गल गए हैं और वो अब दर्द हो रहे हैं और ये बनने में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है, और कई बार अच्छी अच्छी शेप्स बन भी गई लेकिन फिर उसको उठाने में वो उठ ही नहीं रहा था, खराब हो जा रहा था। माय गॉड ये बहुत टफ है यार, मैंने कोई वीडियोस भी नहीं देखे इसको बनाने से पहले, तो पता नहीं। मैं ट्राई करूँगी वीडियो ऑफ करके, अगर मुझसे वो बन गया तो मैं फाइनल प्रोडक्ट दिखा दूँगी कि ये मुझसे बना ऐसा बना, अगर बन गया तो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, नहीं तो मैं तो गिव अप कर चुकी हूँ क्योंकि मेरे हाथ हो रहे हैं बहुत दर्द। मैं नेक्स्ट टाइम ग्लव्स पहन कर ट्राई करूँगी मुझसे हुआ तो। अभी तो मैं पैकअप करूँ, मेरा सर दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा है जो ऑलरेडी हो ही रहा था मुझे। तो वीडियो के एंड में मैं बताती हूँ अपना बॉय विनर, वो मेरे गिव अवे वीडियो का बॉय विनर है, वो है ये। कंग्रेचुलेशंस, तो ये दोनों मेरे विनर हैं। मैं आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करूँगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड और भी गिव अवे आने वाले हैं तो स्टे ट्यून गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लंडर वीडियो एंड ब्लूपर वीडियो। See you super soon in my next video guys. Bye bye. I love ya.